Hello students, welcome to apnateacher.com. This is Murtaza Haider, your mathematics instructor for second year Sindh board. Aur is video ke andar hum baat karenge about the past paper analysis of chapter number 3 second year Sindh board. Okay, to yahan pe humne past paper analysis karna hai kis chapter ka? Chapter number 3. Aur is chapter ka naam kya hai? The general equations of straight lines. Okay. अच्छा अभी किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होता है कि उनको ये पता चल जाए कि पास पेपर्स के अंदर उनकी बुक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे मैंने आपके लिए चैप्टर नंबर 3 आप कंप्लीट चैप्टर एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज मैंने ये बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पास लास्ट 10 ईयर्स में आए हैं और किस किस ईयर्स में आए हुए हैं. सही, तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 की बात कर लेते हैं. चैप्टर नंबर 3 के अंदर टोटल आपके पास 3 एक्सरसाइजेज हैं. तो सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1. तो एक्सरसाइज 3.1 में ये मैंने आपके पास सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. पिछले 10 सालों में अगर आप पास्ट पेपर्स को देखें तो आपको ये तमाम क्वेश्चंस मिलेंगे. सबसे पहले है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास 2019 में पूछा गया है सिर्फ एक मरतबा इन द लास्ट 10 ईयर्स. इसके अलावा एग्जाम्पल 2. अच्छा, होता क्या है आपके पास, कभी कभार आपके पास बुक का क्वेश्चन नहीं आता, आपके पास कोई सॉल्व एग्जाम्पल आ जाती है. तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी बुक की सॉल्व एग्जाम्पल, ये भी आपके पास 2019 में पूछा गया है. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 2018 में पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 11 दो साल पूछा गया है, इन द ईयर 2018-2015. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 ये 2016 में पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ पार्ट्स थे, उनमें से पार्ट 2 आपके पास 2015 के अंदर पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 दो साल आपसे पूछा गया है, इन द ईयर 2014-2012. और आखिर में क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास 2011 में पूछा गया है. तो ओवरऑल अगर आप देखें एक्सरसाइज 3.1 से पिछले 10 सालों में आपके पास कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पास एक्सरसाइज 3.1 से लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं. अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 की. एक्सरसाइज 3.2 से आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 2019 में पूछा गया है. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 दो साल पूछा गया है, इन द ईयर 2019-2018. फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 दफा पूछा गया है, इन द ईयर 2017-13 and 10. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास 2 साल पूछा गया है, इन द ईयर 2017-2015. फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, ये 2016 और 2009 में पूछा गया है. फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, ये 2014 और 2011 में पूछा गया है. फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, ये सिर्फ 2012 में पूछा गया है. और आखिर में है क्वेश्चन नंबर 15, ये आपके पास 2010 में पूछा है. तो एक्सरसाइज 3.2 से अगर हम ओवरऑल ये देखें कि कितने क्वेश्चंस आपके पास लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं, तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यहाँ से भी आपके पास 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द लास्ट 10 ईयर्स. ओके, आखिर में है आपके पास एक्सरसाइज 3.3. अच्छा, एक्सरसाइज 3.3 जो है एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2, आपके पास छोटी एक्सरसाइजेस हैं, इसके अंदर कम क्वेश्चंस हैं आपके पास. तो एक्सरसाइज 3.3 से आपके पास लास्ट 10 ईयर्स में सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इन 2019, क्वेश्चन नंबर 3 इन द ईयर 2019 एंड 2014, और क्वेश्चन नंबर 6 इन द ईयर 2017-13 and 10. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 3.3 से पूछा गया है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6. ओके, सो दिस इज द पास्ट पेपर एनालिसिस. यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये पहचान सकते हैं या ये नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके पास पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं. ओके, अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपकी बुक का क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट आपसे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, कभी कभार वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं या कभी कभार कुछ नंबर्स में भी फ़र्क महसूस होगा आपको कि कुछ ना कुछ नंबर्स में भी लोगों ने चेंजेस लेकर आए हैं. लेकिन आपने इसमें घबराना नहीं है. मैंने क्या करा है कि हो सकता है मिसाल के तौर पे जो क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास
उसके अंदर आपके पास फॉर इंस्टेंस एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको एरिया ट्राइंगल का एरिया गिवन होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 में बुक के अंदर जो एरिया गिवन है फॉर एग्जांपल वो आपके पास 14 स्क्वायर यूनिट्स है, लेकिन बोर्ड में आपके पास 14 स्क्वायर यूनिट्स नहीं दिया गया, आपके पास फॉर इंस्टेंस 28 दे दिया गया या 32 दे दिया गया। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर आपको जो बुक का क्वेश्चन है जिसका सिमिलर क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्स में पूछा गया है, अगर आपने बुक के क्वेश्चन को अच्छे से समझा हुआ है, अगर वेरिएबल्स में या नंबर्स में या क्वांटिटीज के अंदर कोई भी चेंज आ जाए तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द पास्ट पेपर एनालिसिस जहां पे मैंने आपको एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज बताया कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके पास किस किस ईयर में पूछा गया है। अच्छा, अब हम ये बात कर लेते हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आपका पेपर पैटर्न जो बनता है उसमें चैप्टर नंबर 3 से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हर साल आपके पास चैप्टर नंबर 3 से आपके पास दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन बी जिसमें शॉर्ट आंसर्स पूछे जाते हैं और सेक्शन सी जिसमें आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हर साल चैप्टर नंबर 3 से आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, यानी सेक्शन बी जो आएगा आपके पास उसके अंदर दो क्वेश्चंस आपके पास चैप्टर नंबर 3 से बनाए जाएंगे और सेक्शन सी के अंदर जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें से एक पार्ट। अच्छा, सेक्शन सी के अंदर क्या होता है, जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसके अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो पार्ट्स होते हैं। तो टोटल आपके पास 15 मार्क्स का लॉन्ग पार्ट होता है जिसके अंदर एक पार्ट आपके पास 8 मार्क्स का होता है, एक पार्ट आपके पास 7 मार्क्स का होता है। तो कुल मिला के कितना हो गया आपके पास 15 मार्क्स। तो चैप्टर नंबर 3 से आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक लॉन्ग का पार्ट बनता है। तो अगर मैं इसको मार्क्स के थ्रू बताऊं तो एक शॉर्ट आपके पास 5 मार्क्स का है, दो शॉर्ट कितने हो गए आपके पास 5 + 5 = 10। ओके, और लेट से लॉन्ग का जो एक पार्ट बन रहा है आपके पास अगर वो 8 मार्क्स का आ गया तो 10 + 8 = 18, यानी जो सब्जेक्टिव पेपर होता है जो 80 मार्क्स का आपके पास सब्जेक्टिव पोर्शन आता है उसमें से 18 मार्क्स 18 मार्क्स चैप्टर नंबर 3 से बनते हैं। ओके, अच्छा एक आखिरी बात आपको वीडियो ख़त्म करने से पहले लेक्चर ख़त्म करने से पहले कि वो स्टूडेंट्स जो कि 2020-2021 के सेशन में एग्ज़ाम्स देने वाले हैं उनको ये पता है कि ड्यू टू कोरोना वायरस उनका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, और अगर उनको नहीं मालूम कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके पास फॉर द सेशन 2020-2021 रिड्यूस किए गए हैं या अगर चैप्टर आ भी रहा है तो कौन सी एक्सरसाइज एग्जेम्प्ट कर दी गई है ओनली फॉर द ईयर 2020-2021, तो इस वीडियो के एंड में आपके पास एक और वीडियो का लिंक आएगा जिसके अंदर मैंने बड़े डिटेल में नॉट ओनली चैप्टर नंबर 3 तमाम चैप्टर्स, सेकेंड ईयर मैथ सिंध बोर्ड के अंदर टोटल 9 चैप्टर्स हैं, तो मैंने पूरे 9 चैप्टर्स का एक बताया है, एक सिलेबस बताया है जो कि सिर्फ और सिर्फ 2020-2021 में असिस्ट किया जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स को रिड्यू सिलेबस के बारे में नहीं पता तो वो डेफिनेटली उस वीडियो को देखेगा, उससे उनको अंदाज़ा हो जाएगा, पता भी चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन सी एक्सरसाइजेस फॉर द सेशन 2020-2021 एग्जेम्प्ट कर दी गई है। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर एंड विल मीट यू वेरी सून इन आर नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, हम अब मज़ीद आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर, लेक्चर वीडियोज़ के अंदर जितने भी आपके पास पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं उसको हम बड़े डिटेल में सॉल्व करेंगे और इसके बारे में हम समझेंगे भी, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसके अंदर कोई ना कोई नई टर्मिनोलॉजीज आती हैं तो हम उसको सबसे पहले डिटेल में समझेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तमाम पास्ट पेपर से क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ओके, सो विल मीट यू वेरी सून इन आर नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।